हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजीव। आज की इस वीडियो बात करेंगे रेंट पेमेंट के बारे में। अगर अभी आप फोन पे या क्रेडिट एप्लीकेशन का यूज करके रेंट पेमेंट कर रहे हो, चाहे आप अपने नंबर पे कर रहे हैं या फ्रेंड के नंबर पे कर रहे हैं या अपने क्यों लैंडलॉर्ड को ही रेंट पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर आपसे पेमेंट के टाइम पे पैन कार्ड का डिटेल्स मांग रहा होगा। तो बेसिकली जो पैन कार्ड का डिटेल जो मांग रहा है, पहले नहीं मांगता था। किसी भी एप्लीकेशन का आप यूज करके पेमेंट करते थे तो कोई मतलब पैन कार्ड का डिटेल रिक्वायरमेंट नहीं था, बट अभी के टाइम पे पैन कार्ड का डिटेल बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया गया और बिना पैन कार्ड के डिटेल के आप पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो इस केस में बहुत सारे जो यूजर्स हैं जो क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालते थे, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका क्या सॉल्यूशन और क्यों मांग रहा है, इन सभी चीजों पर डिटेल से बात करने वाले हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, चलते वीडियो टॉपिक पे और जानते हैं क्यों ये सब चीजें आ रही हैं और क्या इसका सॉल्यूशन है। तो ये मोबाइल की स्क्रीन पर, तो यहाँ पर मैंने फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। फोन पे एप्लीकेशन ओपन करने के बाद नीचे एक फ्रेंड का एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे मैंने ऑलरेडी एक पेमेंट ऐड कर रखा है यहाँ पे। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अमाउंट डालता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे से पैन कार्ड की डिटेल्स वगैरह मांगा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखें पैन कार्ड डिटेल मैंडेटरी कर दिया, पहले ये सब चीज़ें नहीं मांगता था, पहले डायरेक्ट पेमेंट हो जाता था। और यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मार्क का एक ऑप्शन मिलता है, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे मिलता है व्हाई इज द लैंडलॉर्ड पैन रिक्वायर्ड टू मेक ए रेंट पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लिख कर आ जाता है, और ये इंग्लिश में है। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस पर क्लिक करके इसे ट्रांसलेट भी कर सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर लिखा है कि जो सफलतापूर्वक किराया पेमेंट करने से पहले आपको वेरिफिकेशन उद्देश्य के लिए फोन पे पर मकान मालिक का पैन डिटेल जोड़ना होगा, और जो पैन कार्ड का डिटेल है आपके मकान मालिक के बैंक के रिकॉर्ड से मेल खाना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे तो आपको ये सब चीज़ें मिल गई, बट अगर अभी मैं गूगल खोलता हूँ, गूगल खोले बाद मैंने यहाँ पे सर्च किया वाई पैन कार्ड रिक्वायर्ड एट रेंट पेमेंट इन ऐप्स, तो कुछ इस तरह से खुलकर आ रहा है। और यहाँ पर एक रेडिट का प्लेटफॉर्म है, रेडिट एक वेबसाइट है जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर आप देखें कई लोगों ने सवाल जवाब किया था और किसी ने क्वेश्चन किया था व्हाई सडनली लैंडलॉर्ड पैन इज रिक्वायर्ड टू पे रेंट विद क्रेडिट कार्ड। तो ये भाई ने क्वेश्चन किया है और यहाँ पर देख सकते हैं मतलब लोगों ने पूछा किस एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे कहा है कि फोन पे और क्रेडिट दोनों में। और उसके साथ ही साथ नीचे भाई ने जवाब दिया कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से भी कर रहे हैं और अगर आप UPI से कर रहे हैं तो तब भी आपसे मतलब जो पैन कार्ड का डिटेल्स है मांगा जा रहा है। और नीचे आप देखेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो एक भाई ने कमेंट किया, आई थिंक दे आर गोइंग टू ऐड दिस इज रिसिप्ट ITR फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। तो बेसिकली मतलब जो फाइनेंशियल ईयर है उसके रिसिप्ट में ये ऐड होगी, ताकि अगर आप इनकम टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे हैं तो आप इनकम टैक्स स्लैब में आ जाए और ये जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है आपके ITR में दिखे कि हाँ आपका एक रेंटल इनकम भी आपके पास आता है। तो एक यही मेन रीजन है और ऐसा कोई मेन रीजन नहीं है। सो जैसे कि आप सभी ने वीडियो में देखा, जो आपसे पैन कार्ड का डिटेल आपसे क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के टाइम पे नहीं मांगा जाता है, अगर आप UPI से भी पेमेंट करते हैं तो वहां पर भी आपसे पैन कार्ड की डिटेल्स वगैरह मांगा जाता है। और जो पैन कार्ड का डिटेल है आपसे इसलिए मांगा जाता है ताकि अगर आपकी कोई भी इनकम आ रही है, तो जैसे कि आप रेंट से पैसे कमा रहे हैं तो ये एक तरह से रेंटल इनकम है और ये आपके सिविल में बेसिकली ITR में आपके रिफ्लेक्ट हो, आपके ITR में शो करे, इस वजह से आपसे पैन कार्ड डिटेल मांगा जा रहा है। ताकि अगर आपका जो फाइनेंशियल ईयर में आप टैक्स वगैरह भरते हैं उसमें अगर आप टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं और आपकी जो रेंटल इनकम अगर आपने छुपा रखी है, अगर आप रेंटल इनकम नहीं दे रहे हैं दिखा रहे हैं अपने ITR में, तो ये आपको दिखाएं कि हाँ हमारी इनकम टैक्स, हमारी जो रेंटल इनकम है यहाँ से भी इनकम आती है और हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम एक AB है। तो इस वजह से आपसे पैन कार्ड की डिटेल मांगा जा रहा है ताकि आप अगर टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे तो टैक्स स्लैब में आए और आप भी टैक्स वगैरह भरे। तो बस एक यही रीजन है और ऐसा कोई रीजन नहीं है। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।